पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली दौरे पर रहे, जहां वो शहीदों के गांव सवाड़ पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और सवाड़ में बने सैनिक संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर विकास कार्यों की समीक्षा की, साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी, उनकी बात सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। इस दौरान देहरादून में बेरोजगारों पर हुए लाठीचार्ज की आलोचना की। अपने पूर्व मुख्यमंत्री थराली पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, अभिनंदन करता हूं और उनके साथ कि इनकी जो देखिए वो विजन केवल गैरसैंण को लेकर नहीं था। वो विजन मैंने कहा था जब गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, जब गजट नोटिफिकेशन किया, आज गैरसैंण हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। लेकिन जो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, मैंने कहा था कि गैरसैंण ये हमारे दूरस्थ का प्रतीक है, गैरसैंण हमारे पहाड़ी क्षेत्र के कष्ट का प्रतीक है, तकलीफों का प्रतीक है। इन तकलीफों को, इन कष्टों को दूर करने के लिए गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। जब मैंने पहले दिन किया था